जब हम किसी फ़ोन को परचेस करते हैं तो वहाँ पे सबसे बड़ा की फैक्टर होता है परफॉर्मेंस। ऐसे बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं जिनके लिए परफॉर्मेंस बेटर चाहिए होता है, तो यहाँ पे एसओसी सबसे बड़ा रोल प्ले करती है फ़ोन परचेस करने के लिए। आजकल मिड रेंज स्मार्टफोन डिवाइस के बीच में काफ़ी अच्छा कंपटीशन देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं जो कि अपने स्मार्टफोन में बेस्ट चिपसेट देने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से एक है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G और मीडियाटेक हीलियो G90T, जिसमें से मीडियाटेक हीलियो G90T मेरा फेवरेट है क्योंकि सॉलिड परफॉर्मेंट है और मिड रेंज है, साथ ही गेमिंग कैपेबिलिटीज के साथ में आता है जो कि पबजी जैसे गेम्स के लिए वरदान है एक तरीके से। तो हम लोग इस वीडियो में ये बात करेंगे कि स्नैपड्रैगन 720G किस तरीके से बेटर है मीडियाटेक हीलियो G90T और 730G चिपसेट से। तो यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल टेक एक्सपर्ट इंडिया, चलिए जानते हैं कुछ बढ़िया। जहाँ तक मीडियाटेक हीलियो G90T चिपसेट की बात है तो ये आपको रेडमी नोट 8 प्रो में भी देखने को मिल रहा था, साथ में अभी जो रियलमी 6 आया उसमें भी आपको मीडियाटेक की तरफ से हीलियो G90T चिपसेट देखने को मिला है। रीज़न सिर्फ एक है, सुप्रीम गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाता है, वो भी एक बजट रेंज में मिल जाएगा। यहाँ पे क्वालकॉम ने स्नैपड्रैगन 720G चिपसेट को अनाउंस कर दिया और लॉन्च भी कर दिया, तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन 720G का परफॉर्मेंस स्नैपड्रैगन 730G चिपसेट से बेटर है इन सम सिनेरियोस। यहाँ पे स्नैपड्रैगन 730G थोड़ा सा पुराना है और 720G का जो CPU है वो आपको थोड़ा फास्ट मिलता है। तो पहला कंपैरिजन कर लेते हैं हम लोग 720G चिपसेट और मीडियाटेक हीलियो G90T के बीच में। देखिए बहुत कंट्रोवर्शियल कंपैरिजन होने वाला है बिकॉज किसी किसी को 720G चिपसेट पसंद है और किसी किसी को मीडियाटेक हीलियो G90T चिपसेट पसंद है। तो कुछ महीनों पहले रेडमी नोट 8 प्रो में आपको मीडियाटेक की तरफ से हीलियो G90T चिपसेट मिला था, अभी रियलमी 6 में भी मिल रहा है आपको। तो इस चिपसेट का सबसे मेन हाईलाइट ये है कि इसमें आपको पबजी जैसे गेम आप हाई ग्राफिक्स में खेल पाओगे, साथ ही 60 FPS फ्रेम रेट पे आपको ये स्मूथ ग्राफिक्स के साथ में चलेगा। लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट रियलमी 6 प्रो में आपको मिल जाता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G चिपसेट। यहाँ पे आप हायर ग्राफिक सेटिंग में पबजी जैसे गेम को नहीं खेल पाओगे, 40 FPS फ्रेम रेट पर ही पबजी यहाँ पे चलता है। इसी वजह से यहाँ पे मीडियाटेक हीलियो G90T चिपसेट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G चिपसेट से बेटर है इस मामले। अब यदि बेंचमार्क की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे Antutu और Geekbench 5.0 में 720G का जो स्कोर है वो सबसे ज़्यादा है, ज़्यादा मार्जिन नहीं है लेकिन फ़र्क ज़रूर है। Antutu बेंचमार्क में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G के जो CPU पॉइंट्स है वो सबसे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे मीडियाटेक हीलियो G90T के GPU पॉइंट्स सबसे ज़्यादा है और यही वजह है कि Redmi Note 8 Pro और Realme 6 में जो PUBG है हाई ग्राफिक सेटिंग में चल पाता है, 720G में नहीं। रियल वर्ल्ड यूसेज की बात करूं मैं तो यहाँ पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G चिपसेट मीडियाटेक हीलियो G90T चिपसेट से स्लैंटली बेटर मिल जाता है। स्पीड के मामले में आप बिल्कुल भी फर्क नहीं कर पाओगे। साथ ही आप में से कई लोगों को ये बात पता होगी कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G पावर एफिशिएंट है मीडियाटेक हीलियो G90T के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे अगर आपको एक बेटर बैटरी लाइफ चाहिए तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G है क्वाइट गुड, लेकिन यहाँ पे अगर आपको एक अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस चाहिए लाइक पबजी जैसे गेम आपको स्मूथ ग्राफिक्स पर चलाना है तो मीडियाटेक हीलियो G90T चिपसेट ही आपके लिए बेटर है। अब बात कर लेते हैं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G वर्सेस स्नैपड्रैगन 730G के बारे में। यहाँ पे कंपैरिजन करने के बाद में असल चीज़ पता चली है कि यहाँ पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G चिपसेट 730G चिपसेट से परफॉर्मेंस के मामले में भी काफ़ी ज़्यादा बेटर मिलता है आपको। साथ में जो क्लॉक स्पीड मिलती है 720G की वो 730G चिपसेट से काफ़ी फास्ट मिलती है, साथ ही बेंचमार्क स्कोर्स में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिला। लुक पोको X2 में आपको मिल जाता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G और Realme 6 Pro में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G मिलता है। तो मतलब यहाँ पे अगर Geekbench 5 बेंचमार्क्स की बात करूँ मैं तो यहाँ पे सिंगल कोर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा स्कोर किया है स्नैपड्रैगन 720G ने। इसी वजह से यहाँ पे आपको एक हायर क्लॉक स्पीड देखने को मिलती है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G के कंपैरिजन में। इसका मल्टीकोर परफॉर्मेंस अगर देखा जाए दोनों चिपसेट का तो लगभग सेम ही था। तो यहाँ पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G का CPU परफॉर्मेंस अगर Antutu बेंचमार्क की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा था और GPU परफॉर्मेंस 730G का सबसे ज़्यादा था। आई होप आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा इन तीनों चिपसेट्स को लेकर के, कौन से ज़्यादा पावरफुल है, क्यों बड़े बड़े ब्रांड्स इन तीनों चिपसेट को ही चूज़ कर रहे हैं मिड रेंज सेगमेंट में। Note 9 Pro एंड Note 9 Pro Max दोनों में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G चिपसेट ही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको बेटर पावर एफिशिएंसी चाहिए, एक अच्छी बैटरी लाइफ चाहिए तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन 720G चिपसेट है, और अगर आपको पबजी जैसे गेम खेलना है या फिर स्मूथ ग्राफिक्स में आपको गेम खेलने का शौक है ज़्यादा तो यहाँ पे मीडियाटेक हीलियो G90T चिपसेट आप लोगों के लिए। मतलब एक बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस चाहिए
तो मिनट एक किलो G90T चिपसेट है। और एक अच्छा पावर एफिशिएंसी चाहिए तो स्नैपड्रैगन 720G है यहाँ पे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि तीन चिपसेट्स है इनमें से बेटर चिपसेट आपको कौन सा लग रहा है इन तीनों में से। तो फिलहाल मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना अगर लाइक नहीं किया है तो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है और आपका सब्सक्राइब हमें और ज़्यादा मोटिवेट करता है। सो फिलहाल मिलेंगे अपने अगले टेक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।